हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नियो वोल्टेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से सीधी और बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग में आई सीधी भर्ती की। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वैकेंसी के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सके, तैयारी कर सके और आपको इस भर्ती की अच्छे से जानकारी मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जल्द से जल्द अभी के अभी शेयर कर दें वीडियो को। और रोजाना सरकारी नौकरी खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं इस नए वीडियो में नई भर्ती की जो निकाली जा रही है बिजली विभाग की तरफ से। दोस्तों, ये बिल्कुल सीधी भर्ती है, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, यानी कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के तहत आपका सिलेक्शन होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, लगभग 2000 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और लास्ट डेट जो है 20 जुलाई 2020 है आवेदन करने की। ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कब से कब तक आवेदन चलेंगे और क्या एप्लीकेशन फीस होगी, क्या यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और आपको बता दें ये एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, गूगल में सर्च करें www.tipswarerbus.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कहां से ये वैकेंसी आउट की गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। 1892 पदों पर टोटल वैकेंसी है और यहां पर पोस्ट का जो नाम है वो आप देख सकते हैं जूनियर टी मेटर की वैकेंसी है और जूनियर हेल्पर की वैकेंसी है। ऑफलाइन ही आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, आपको केवल फॉर्म भर के जमा करना होगा बाय पोस्ट। और यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपकी इंटरव्यू होगी, ना ही आपका एग्जाम होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है, उसके अलावा आयु सीमा में छूट जो रिजर्व कैंडिडेट्स को है वो भी है यहां पर। तो अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, वहीं एससी एसटी के लिए 50 और वहीं फीमेल्स की बात करते हैं तो लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। और पेमेंट आपको ऑनलाइन ही कराना है बाकी अदर्स कैंडिडेट्स को। और क्वालिफिकेशन यहां पर केवल 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की पूरी जानकारी यहां पर है, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आवेदन शुरू हो चुके हैं 4 जून से और 20 जुलाई 2020 लास्ट डेट है आवेदन करने की। आवेदन करने का लिंक यहां पर है नोटिफिकेशन के साथ में। तो दोस्तों, यह रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 4 जून को जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहां पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग एड्रेस है, इन एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के जमा कराना है। और यहां पर नीचे आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर आप नीचे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। यह रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, जैसा कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो आपको फिल करनी है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं वो आपको यहां पर लगाना होगा, फोटो कॉपी के साथ में, सेल्फ अटेस्टेड के साथ में, ठीक है, फॉर्म को भर के जमा करा देना है। तो यहां पर इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।